आज की वीडियो में हम एग्जांपल 2.10 सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ 900 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि एक ये कैपेसिटर है, इसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि चार्ज होने के बाद कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी। ठीक, ये फाइंड करना है हमें। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरड कैपेसिटर। अब इसको, बैटरी को तो डिसकनेक्ट कर दिया गया, तो सर्किट में अब सिर्फ चार्ज्ड कैपेसिटर बचा। अब इसके साथ एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया गया, जिसकी कैपेसिटेंस भी 900 पिकोफैरड है, मींस इसी कैपेसिटर के आइडेंटिकल है वो। उसको इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि ये पहले एक कैपेसिटर है और ये दूसरा, तो यहाँ पर ये सी सी लिखा हुआ है क्योंकि दोनों सेम है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, कि इस कंडीशन में अब एनर्जी कितनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्वाइट इजी है, तो हम इसका अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, कि हमें सी गिवन है, हमें वी गिवन है, और फिर एनर्जी फाइंड करनी है। तो सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये सी की वैल्यू पुट कर दी, ये वी की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली। तो हमको 4.5 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी मिल गई, जो यहाँ इस कैपेसिटर में स्टोर हो गई है। ठीक है, अब क्या इसमें एक पॉइंट ये और देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको हाफ क्यू वी के इक्वल लिखा हुआ है, क्योंकि एनर्जी का हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, एक ये मीन्स यू की वैल्यू, ये हाफ क्यू वी है। तो इस तरह से ये हाफ क्यू वी की वैल्यू भी मिल गई हमें। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि दूसरा कैपेसिटर भी सेम है, मतलब दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सी सी कैपेसिटेंस के हैं। तो ऐसे में क्या है कि जब इनको कनेक्ट किया जाएगा तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल को कॉमन करने के लिए, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए चार्ज फ्लो होने लगेगा, और उसके बाद फिर ये स्टेडी सिचुएशन में आ जाएगा। तो जिस टाइम अब ये स्टेडी सिचुएशन में आ चुका है, तो उस टाइम पर कैपेसिटर आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों पर इक्वल चार्ज आ जाएगा, दोनों कैपेसिटर पर। तो पहले का चार्ज अगर Q है, तो अब नया चार्ज जो है वो Q/2 इन दोनों कैपेसिटर पर आ जाएगा। पोटेंशियल भी V/2 हो जाएगा, क्योंकि जब C भी सेम है, Q भी सेम है, तो V भी सेम रहेगा, तो वो भी जो नया V डैश पोटेंशियल आया, कॉमन पोटेंशियल, वो भी V/2 हो गया। अब हम एनर्जी फाइंड कर लेते हैं सिस्टम की हाफ क्यू वी फॉर्मूला यूज़ करके। और अब जो चार्ज है वो क्यू डैश है, पोटेंशियल जो है वो वी डैश है। टू कैपेसिटर्स हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी क्यू डैश और वी डैश की, ये क्यू डैश, ये वी डैश। तो हम अब जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/2 क्यू वी। तो ये हाफ क्यू वी जो है वही क्या है, हाफ क्यू वी यू है। तो हम हाफ क्यू वी को क्या लिख सकते हैं, यू। और यू की वैल्यू कितनी है, 4.5 × 10⁻⁶ ऊपर ही हमने लिखी है। तो अब यहाँ पर ये 4.5/2 × 10⁻⁶ आ जाएगा, और डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 2.5 × 10⁻⁶ जूल। अब ये आंसर जो है, इसे देख के हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियली तो इतनी एनर्जी थी कैपेसिटर की, और जब उसने किसी दूसरे कैपेसिटर को चार्ज किया तो सिस्टम की एनर्जी हाफ हो गई, तो ये बाकी की एनर्जी कहाँ गई। तो ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी की एनर्जी कहाँ गई। यहाँ देखिए, चार्ज का तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, Q/2 चार्ज डिवाइड हो गया, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एनर्जी का जो लॉस है वो कहाँ हो रहा है, कि जिस टाइम पर एक कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते, एक कैपेसिटर दूसरे को चार्ज कर रहा होता है, उस ड्यूरेशन में ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रहा होता है, मीन्स वेरिएबल करंट, जो करंट चेंज हो रहा है। ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो कुछ हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है
और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आ गया? तो बेटा ऐसा है कि जिस टाइम पर करंट वेरिएबल होता है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो गई? हीट की फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में यूज़ हो जाती है, इसलिए इतनी ही एनर्जी बचती है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस एग्जांपल से कनेक्टेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए स्पेशली, कि जब किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज किया जाता है तो एनर्जी लॉस हो जाता है 50%। वो देख लेते हैं कि जिस बैटरी से चार्ज किया गया उसकी एनर्जी QV, W इज़ इक्वल टू VQ के फॉर्मूले से, U इज़ इक्वल टू QV हमारे पास एनर्जी है जो बैटरी यूज़ कर रही है इसको चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को। लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है? हाफ QV। तो अब ये QV और ये हाफ QV, तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया? 50% एनर्जी का लॉस हो गया है इससे। और ये आप इस एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये अपने आप से फाइंड करके देखना कि आपके पास ये C की वैल्यू है, V आपको 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप Q फाइंड करना और फिर QV की वैल्यू निकालना। यहाँ QV आप फाइंड करेंगे तो ये आपको बैटरी की एनर्जी मिल जाएगी, और आप देखेंगे कि जो बैटरी की एनर्जी है वो 9×10⁻⁶ जूल आएगी, जो कैपेसिटर की एनर्जी का डबल है, या कहें कैपेसिटर की एनर्जी जस्ट हाफ है। मतलब ये जो बैटरी की एनर्जी है ये आपको मिलेगी 9×10⁻⁶ जूल। तो इससे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 50% एनर्जी का लॉस हो गया है।